में आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है। और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में सिलाई कढ़ाई और बुनाई ये सब जो जितने भी ये हैं इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहला तो मतलब एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन के बाद एजुकेशन आज के डेट में बहुत सारी ये नहीं कहते हैं कि एक शिक्षा समाधान है हमारी आत्मनिर्भरता का। ऐसी शिक्षा की अभी कमी है, मिल रही है लेकिन अभी भी कमी है। सब हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी को रोजगार नहीं देती है, तो उन रोजगारों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई कढ़ाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। और यहाँ पर हम आए तो महिलाओं को उन लोगों ने मेरा स्वागत भी किया, यहाँ एका भी स्वागत किया, उनका गान भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर उपेक्षा महोदय ने महिला और पुरुष के भेदभाव के बीच गीत भी गाया। और आगे चल करके प्रशिक्षण और अच्छा हो हम तो उम्मीद करते हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगी। थोड़ा ओमिक्रॉन का प्रभाव आ गया है इसलिए हम भी थोड़ा लेट आ रहे थे, लगा कि होगा भी कि नहीं होगा ऐसा ना हो कि ये हो कि वहाँ पर भीड़ जमा किया गया और उद्घाटन थे। थोड़ा सा मन में झिझक था, मेरे भी मन में झिझक उत्पन्न हुआ कि हम जाएं कि नहीं जाएं, तो थोड़ा लेट भी हुआ। इस तरह के कार्यक्रमों में मुझे भाग लेने का बहुत उत्साह रहता है, लेकिन जनरली क्या हो रहा है ना कि थोड़ा ओमिक्रॉन आ जाने के बाद फिर वो बंधन उत्पन्न, मतलब कोरोना आ जाने से थोड़ा कभी बंधन झिझक भी होती है और एक उसको रोकना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो इसके पहले हमने अपने बहुत सारे नागरिकों को कोरोना के कारण खो दिया है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब आगे भी इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। मेरा मानना है कि जो आयोजक हैं वो उसके गाइडलाइन का फॉलो करेंगे और अच्छे से आगे ये करेंगे, और जो ये बच्चियाँ हैं उत्साह से इस ट्रेनिंग को मतलब करें, अपना इसमें अच्छे से सीखें। जो अनुदेशिका हैं वो अच्छे प्रशिक्षण दें और कोशिश करें कि इनमें से हम बहुत सारी बच्चियों को इस तरह से क्यों बनाएं कि जो आगे चल के हमारी नाम रोशन करें आगे चल करके सिलाई कढ़ाई में, क्योंकि उससे आगे चल के यही सिलाई कढ़ाई अगर अच्छे मार्जिन पर होता है तो अच्छे निफ्ट के स्टूडेंट पैदा करते हैं, फैशन डिजाइनिंग के हो जाते हैं लोग, आइकॉन हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग अपनी कड़ी मेहनत से उस तरह की सफलता भी पाइएगा। और नेहरू युवा केंद्र का ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और खासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। और आज हम बच्चियों को हम ये नहीं कहना चाहते कि बच्चियां हमारी आज कम है, वो सभी रिजल्टों में आगे आ रही हैं। और हिंदुस्तान के मतलब जितनी भी तरह की चाहे किसी भी क्षेत्र में, इवन सेना एक बचा हुआ था वो भी विगत 5-7 वर्षों में उसने भी अपनी